और अगर मान लीजिए फिल्टर सही है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इसका फिल्टर सही था फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिल्टर अगर सही है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, ऑयल का फिल्टर देखेंगे। जैसे आप लो ऑयल प्रेशर का अगर अलार्म आ रहा है किसी भी चिलर में, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो या स्क्रू कंप्रेसर हो, स्क्रू के लिए कुछ डिफरेंट है, रेसिप्रोकेटिंग के लिए कुछ डिफरेंट है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस किस वजह से लो ऑयल प्रेशर का अलार्म आता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या सिर्फ रिसेट करने से काम चल जाएगा। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसलिए आप लोग लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों साथ भी शेयर करें, क्या बता उन्हें भी इसकी ज़रूरत हो। तो आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि लो ऑयल प्रेशर का जो अलार्म है वो क्यों आता है और कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत सारे चिलर हैं, यॉर्क के चिलर है, ट्रेन के चिलर है, ये फिलहाल ये ट्रेन का एयर कूल्ड चिलर है और इसमें रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, लेकिन इसी मेथड पे, इसी प्रिंसिपल पे आप दूसरे पे भी चेक करेंगे तो आप लोगों को इजीली मालूम चलेगा और आप लोग काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले बता दूं, अगर लो ऑयल प्रेशर का अलार्म आ रहा है तो इसमें ऑयल डिफरेंशियल प्रेशर भी लगा हुआ होता है, और जो स्क्रू कंप्रेसर होता है, स्क्रू कंप्रेसर में डिस्चार्ज से उसका डिफरेंशियल प्रेशर देखा जाता है ऑयल का, और जो ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है इसका सक्शन से होता है डिफरेंशियल प्रेशर। तो डिफरेंशियल प्रेशर की वजह से ये ऑयल प्रेशर में ट्रिप करता है। ऑयल प्रेशर कम होगा तो डायरेक्ट हम लोग इसको ये नहीं समझेंगे कि जी ऑयल प्रेशर कम है या कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें क्या है कि ऑयल प्रेशर से ये ट्रिप कर रहा था, तो ऑयल प्रेशर से जब ट्रिप करता है तो दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर इस कंप्रेसर का सक्शन का फिल्टर ब्लॉक होगा तो क्या होगा, इसके बॉडी में प्रेशर नहीं आएगा, जब प्रेशर नहीं आएगा तो ऑयल का प्रेशर कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ऑयल इसका ख़राब है, गंदा है या ऑयल फिल्टर ब्लॉक है, वो बाद का स्टेप है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को इसके बॉडी का प्रेशर चेक करना चाहिए कि इसमें फिल्टर ब्लॉकेज है या नहीं। प्रेशर चेक करने से हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि सक्शन का कितना प्रेशर है, बॉडी का कितना प्रेशर है। वो जब कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ वो अगर गंदा है तो उसको हम लोग सही कर देंगे, उसको इसका गैस बैक करके पम्प डाउन करके फिल्टर क्लीन करके लगा देंगे तो वो सही हो जाएगा। और अगर मान लीजिए फिल्टर सही है फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इसका फिल्टर सही था फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिल्टर अगर सही है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या है, ऑयल का फिल्टर देखेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं हमने खोल के निकाला है, यॉर्क के कंप्रेसर में भी इस टाइप का सीधा होता है, स्ट्रेट होता है, वो नीचे लगाया जाता है, तो ये देखिए कितना गंदा है, ये चारों तरफ से आपको गंदा नजर आ रहा है। तो दूसरा स्टेप हमारा होगा ये ऑयल का फिल्टर, ये अगर चौक होगा, ब्लॉक होगा, खराब होगा तो भी ऑयल का प्रेशर नहीं बनेगा। तीसरा कारण क्या होता है कि जो ऑयल की लाइनें होती है ना, जैसे ये कैपिलरी पाइप वगैरह ट्यूब वगैरह हैं, ये अगर ब्लॉक होगा जब भी करेगा, ये सक्शन का प्रेशर और ऑयल का प्रेशर, ऑयल का प्रेशर हमेशा सक्शन से ज्यादा होता है, तो डिफरेंशियल प्रेशर निकाला जाता है कि 100 अगर ऑयल का प्रेशर है और 65 अगर हमारा सक्शन का प्रेशर है तो 35 डिफरेंशियल प्रेशर होगा, 35 पे ये ट्रिप नहीं करेगा। यहां से ये हो गया, दूसरा स्टेप हमको चेक करना है, तीसरा स्टेप हमको कैपिलरी ट्यूब इसका सारा चेक करना है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो फिर हम लोगों को क्या करना होता है, ऑयल पंप, ऑयल पंप को देखना होता है कि ऑयल पंप सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारे कंप्रेसरों में ज़्यादातर जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर उसमें बैक साइड में होता है, ऑयल पंप को हम लोगों को वेरीफाई करना चाहिए। ऑयल पंप अगर सही काम नहीं कर रहा है तो उसको हम लोगों को चेंज करना चाहिए। ऑयल पंप जो इसका होता है वो क्रैंक शाफ्ट के थ्रू चलता है तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहला रीज़न है सक्शन फिल्टर चेक करना है, सेकेंड है हमारा ऑयल फिल्टर चेक करना है, और ऑयल का कंडीशन भी देखना है कि ऑयल गंदा है या साफ है, और तीसरा कैपिलरी ब्लॉकेज वगैरह है क्या है वो हमको देखना है, चौथा हमको ऑयल पंप देखना है। लेकिन सबसे पहले जो कंट्रोलिंग का काम देखना है, सबसे पहला वो मैंने आप लोगों को नहीं बताया, अभी बता देता हूँ। सबसे पहला जो कंट्रोलिंग का हम लोगों को काम देखना है कि कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए ऑयल से ट्रिप मार रहा है। बहुत सारे में ट्रांसड्यूसर लगा हुआ होता है, बहुत सारे में ऑयल का प्रेशर स्विच लगा होता है, जैसे ये डिफरेंशियल प्रेशर स्विच है, ये भी खराब होगा तो ट्रिप मारेगा, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक चीज और आप लोगों को मैं बता देता हूँ, इसमें ये देखें ये जो कनेक्टिंग रॉड वगैरह लगे हुए हैं क्रैंकशाफ्ट के अंदर में, मैकेनिकल की तरफ से अगर इसमें भी कुछ गैप होगा, क्लियरेंस होगी तो लो ऑयल प्रेशर पे ट्रिप जरूर मारेगा। तो अगर लास्ट का ऑप्शन है आप लोगों से नहीं होता है अगर फिर भी सारा करके, तो लास्ट में आप लोगों को इसके क्लियरेंस भी चेक करने हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इन सब सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा फॉल्ट फाइंडिंग करना और ट्रबल शूटिंग करना। और इस तरीके की मैं HVAC और स्प्लिट AC पैकेज, AC FHU HU हर तरह की VRV VRF की भी वीडियो बनाता हूं, जो कि आप लोगों के
काम ही आने वाली है। इसलिए चैनल के साथ आप लोग हमेशा के लिए जुड़ जाएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मैं अक्सर अपने भाइयों का कमेंट चेक करता हूं, जो कमेंट मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन करते हैं किसी बारे में, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना देता हूं। तो आप लोगों को वीडियो अगर बनवाना है तो अपना कमेंट करें, टॉपिक बताएं, मैं उसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।